कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, आज हफ्ते की शुरुआत, और आज जानेंगे किस तरह से खाद्य तेल के मार्केट में कारोबार देखा गया है। सोया, सरसों, पामोलिन में विदेशी मार्केट में घरेलू बाजारों में आज कैसा कामकाज और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। पिछला हफ्ता जो देखा गया, सोमवार के दिन शुरुआत जो रही और सोयाबीन की, उसमें महाराष्ट्र सोलापुर 4780 रुपए पर खुला, वहीं शनिवार के दिन 4780 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में मांग सीमित रहने की वजह से मिला जुला कारोबार दर्ज किया गया। मंडियों में निरंतर सप्लाई बनी रहने से सोयाबीन के भाव में ना गिरावट आई है ना भाव बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते एमपी डिलीवरी प्लांट में जो दाम देखे गए वो 50 से 80 रुपए तक प्रति क्विंटल के बीच, इसमें गिरावट दर्ज करी गई। मंडियों में औसतन 2 से 2.5 लाख बोरी की दैनिक आवक हो रही है। पिछले साल की तुलना में ये आवक अधिक बताई जा रही है। व्यापारियों का इस बारे में मानना है कि नई फसल की बुआई से पहले किसान अपनी फसल बेच रहे हैं, जिससे आवक बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया मील के भाव इस हफ्ते काफी ज्यादा कमजोर पड़े हैं। खल की कीमतों में बीते हफ्ते अगर देखा जाए 500 से लेकर 1000 रुपए प्रति टन तक की तेजी दर्ज करी गई। एक्सपोर्ट डिमांड सुस्त पड़ने और वहीं पोल्ट्री सेक्टर से धीमी मांग के चलते सोया मील में बड़ी तेजी आने की संभावनाएं काफी कम रही हैं। सरकार जून महीने में सोयाबीन की एमएसपी की घोषणा कर सकती है। चुनाव नतीजों के बाद एमएसपी की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। सोयाबीन में 150 से लेकर 200 रुपए तक एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद तेजी देखने को मिल सकती है, और एमएसपी में बढ़ोतरी को छोड़कर आए कोई कारण सोयाबीन की तेजी के पक्ष में नहीं है। सोयाबीन में बड़ी तेजी अब नए सीजन की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर आज के बाजार के बारे में कि किस तरह से कामकाज आज देखा जा रहा है, तो आज विदेशी मार्केट से जो सोयाबीन को देकर खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अर्जेंटीना में सोया तेल के भाव ऊंचे रहे हैं, आयात महंगा है और लैंड कॉस्ट 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से महंगी हो गई है। सोयाबीन का बाजार आज काफी हद तक स्थिर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा ना तेजी दर्ज करी गई है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। रेट के बारे में बात करी जाए तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन का, लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें वो 4780 है, धनराज प्लांट का रेट 4800 है, विजय प्लांट में कीमतें 4730 है, सॉवरन प्लांट में आज की कीमतें 4730 है, और दुलिया में डिसान प्लांट में आज का रेट 4750 देखा जा रहा है। नारेड में श्रीनिवास नारेड में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में जो आज की कीमतें हैं वो 4650 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में आज का रेट डिसान प्लांट का 965 है, धनराज प्लांट में कीमतें 970 है, एग्रो प्लांट का रेट 980 चल रहा है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें आज 970 चल रही है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का आज का रेट 4735 देखा जा रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें आज की 4750 है, अभी प्लांट में आज का जो रेट है वो 4675 देखा जा रहा है। सावरिया प्लांट में कीमतें आज की मध्य प्रदेश में 4800 है, और मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में धनका प्लांट में आज का रेट 952 है, प्रकाश प्लांट का आज का रेट 960 है, खानवा ऑयल प्लांट में कीमतें 975 चल रही है, और अभी प्लांट में 965 रुपए तक का बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में आपको जो कारोबार देखने को मिलेगा वो काफी हद तक फ्लैट नजर आ रहा है। सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। अब इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लोकल बाजारों में कैसा कामकाज चल रहा है, रेट क्या चल रहे हैं, सरसों सीड के आपको विस्तार से खबरों में आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको मार्केट में बाजारों में खाद्य तेल बाजार से जुड़ी मार्केट की तेजी मंदी उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए आज विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में हफ्ते की शुरुआत में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और रेट के बारे में अगर बात सबसे पहले बात कर लेते हैं, और साथ ही जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मलेशिया पाम निर्यात 22% तक से अधिक बढ़ने की धारणा से केएलसी काफी मजबूत है। केएलसी में आज अवकाश है, यहां से 4000 से 4100 से 4200 रिंगिट की चाल मार्केट में केएलसी में बन सकती है। अब इसके अलावा बात करी जाए अगर घरेलू बाजार में रेट के बारे में कि कीमतें क्या चल रही है, तो 1680 रुपए तक का रेट वनस्पति में देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में। पामलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550 एक लीटर का रेट 94 है। बारबची ब्रांड में सोया रिफाइंड में कीमतें 15 किलोग्राम में 1635 एक लीटर का रेट 99 रुपए। फॉर्च्यून में कीमतें 15
लीटर में 1700 चल रही है। एक लीटर फॉर्चून का रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में एक लीटर में 93.50 रुपए चल रही है। बेस्ट चॉइस में पाम ऑयल का आज का रेट 89 रुपए देखा जा रहा है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में 970 है। सनफ्लावर का रेट 980 है। मूंगफली में आज 1460 रुपए तक की आप बाजार में आज से कीमतें देखकर चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में आज राइस ब्रांड का रेट 93 है। सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपए चल रही है। सोया ड्यू का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें 120 है। एक्सप्ला का रेट 118 है। पामलिन में 93.50 रुपए तक की आपको यहाँ से कीमतें बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो बाजारों में एक तरह से आपको बाजारों में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सरसों के बाजार में आज कैसे शुरुआत हुई है, तो 6250 के बीच का कारोबार वीकेंड वाले दिन सरसों सीड में देखा गया था। और आज के बारे में अगर बात करी जाए तो फेड की बिक्री की वजह से सरसों की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। दैनिक आवकों में लगातार कमजोरी देखी जा रही है। कल के दिन 4 जून से 6 जून तक लगातार फेड सरसों की बिक्री करने जा रहा है, जिस दौरान लगभग 51,000 टन सरसों की बिक्री की योजना बनाई गई है। पिछले 2 टेंडर में मात्र 1575 से 1600 टन सरसों की बिक्री की जानकारी मिली है। बीते हफ्ते अगर देखते हैं तो उसी वजह से सरसों दबाव में देखी गई, लेकिन जयपुर 6225 और भरतपुर 5776 रुपए के लेवल पर काफी हद तक मजबूत देखा गया। मार्च अंत से 30 मई तक सरसों में लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज करी गई, लेकिन अब सरकारी बिक्री का दबाव है। यहां से सरसों घट्टे में 100 से 150 रुपए बढ़ने में 150 से लेकर 200 रुपए तक की चाल दिखाई दे रही है। सरसों तेल जयपुर कचिघानी 1191 रुपए प्रति 10 किलो के लेवल पर आ चुका था, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है। सरसों तेल से यह 22 से 23 रुपए प्रति सोया तेल से यह 22 से 23 रुपए प्रति किलो ऊंचा होने की वजह से मांग जो है वो काफी हद तक धीमी है। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी बाजारों में नजर नहीं आ रही है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 6750 का रेट जयपुर में देखा जा रहा है। सरसों सीड का दिल्ली में कीमतें 6050 है। बरवाला में आज की कीमतें 5760 है। ग्वालियर का रेट 5800 है। हिसार का रेट 5800 है। गोलकोटा कीमतें 5900 चल रही हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्रेस में जयपुर में आज का रेट 1161 है। दिल्ली में कीमतें 1135 है। भरतपुर में आज का रेट 1180 चल रहा है। कच्चीघानी में कीमतें 1170 देखी जा रही है। कोटा में आज का जो रेट है वो 1210 है। भरतपुर में कीमतें 1165 है। और प्लांटों में भी आज 50 रुपए तक की गिरावट ही दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद का आज का रेट 6475 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिगनेर में कीमतें 6475 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवर में जो आज का रेट है वो 6375 है। 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सलोनी कोटा में आज की कीमतें 6400 चल रही है, जहां पर भी 50 रुपए तक की गिरावट आप यहां से बाजार में देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के दिन मार्केट में जो ट्रेंड है सरसों का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव नहीं है। हेफेड की बिकवाली की वजह से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। 50 से 75 रुपए तक दाम कमजोर रहे आज, जिसकी वजह से 6200 से नीचे सरसों सीड का बाजार आ चुका है। तो ओवरऑल आज के लिए जो ट्रेंड है खाद तेल के बाजार में वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। रेट अच्छा है, खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं जरूरत के हिसाब से बाजारों में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।